नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं बी एस उपाध्याय विजुअल इफेक्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ओर से सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। अगले टॉपिक मैंने सीखा था ग्रुप के बारे में, जो ग्रुप का क्या 28 ग्रुप जो होते हैं, उस 28 ग्रुप में मैंने एक भाग पढ़ा था, क्या नाम, जिसका नाम है करेंट एसेट्स। अगर नहीं देखा होगा तो पिछला वीडियो हमारा चेक कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे से अकाउंट्स के बारे में समझ में आएगा। आज हम सीखेंगे करेंट लायबिलिटीज के बारे में, जो अकाउंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, जो किसी भी कंपनी की लायबिलिटीज होती है, जो हर किसी कंपनी को, हर दुकानदार को देना बाकी रहता है, वो लायबिलिटीज होते हैं। इसको हम बोलते हैं चालू संपत्ति। जो भी आपको देना बाकी रहता है आपके लिए, आपके अकाउंट्स खाते में, आपके बैलेंस शीट में, उसको लायबिलिटीज खाते में रखते हैं, इसको बोलते हैं करेंट लायबिलिटीज। अब ये टैली में कैसे लायबिलिटीज जनरेट होता है, ऑटोमेटिक टैली में लायबिलिटीज किस खाते में जाता है, तो वहां पे देखेंगे। जैसे ये करेंट लायबिलिटीज के तीन भाग होते हैं, एक का नाम है सनी क्रेडिटर, दूसरे का नाम है डेबिट एंड टैक्स, तीसरे का नाम है प्रोविजन। ये तीन कैटेगरीज होते हैं करेंट लायबिलिटीज का, जिसमें सबसे पहले हम बात जानेंगे क्रेडिटर्स के बारे में। सनी क्रेडिटर, जब किसी फर्म या कंपनी से उधार माल खरीदते हैं, जो जिसका भुगतान अपने तत्काल नहीं करते हैं, कुछ समय बाद करते हैं, कुछ दिनों के बाद करते हैं, ये हेड्स जो होते हैं उन कंपनियों का क्रेडिटर्स हेड में डालते हैं, इसका नाम है सनी क्रेडिटर। तो ऐसे कंपनी को हम क्या क्या मानते हैं, करेंट लायबिलिटी, जिसको आपको भुगतान नहीं करना बाकी रहता है। दूसरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टैली में आप किसी भी प्रकार का टैक्स की एंट्री पास करते हैं, जैसे आज टीडीएस है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी, आईजीएसटी और टीडीएस हो, टीसीएस हो, इनकम टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो जो आप भुगतान कर रहे हैं, उनका एक ही हेड्स होता है टैली में, जिसको बोलते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एक ही हेड्स होता है। दूसरा प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब होता है जो चीज आपने देना बाकी है, जो अभी नहीं दिया, दो महीना बाद देना है, 30 दिन के बाद देना है, जो लास्ट जैसे महीने खत्म होता है, किसी को सैलरी आप 30 दिन के बाद देते हैं, 30 तारीख खत्म हुआ, 1 तारीख को देते हैं, 2 तारीख को देते हैं, 30 तारीख को आपको एंट्री दिखानी पड़ती है, जो मुझे अगले 2 तारीख को 3 तारीख को भुगतान करना बाकी है, तो जो भुगतान करना बाकी रहता है उनको हम प्रोविजन खाते में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है कि सैलरी पेबल, पेबल का मतलब पेड का मतलब दे दिया, पेबल का मतलब देना बाकी, पेबल टू राम ऑफ ₹6,000, यानी राम को सैलरी देना बाकी है। तो ऐसी अगर हम एंट्रियां पास करेंगे तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेंगे, सैलरी एक्सपेंसेस, ठीक है, सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट टू सैलरी पेबल, सैलरी पेबल, तो यहाँ पे ये एंट्री होगी राम को सैलरी देना बाकी है। तो जो भी आउटस्टैंडिंग होती है, जो भी रुका हुआ पैसा होता है, जिसको हम सब बाद में भुगतान करते हैं, उन सभी के हेड कहाँ रखते हैं हम लोग, प्रोविजन में, ठीक है। ये ग्रुप समझ में आया आपको, आपको करेंट लायबिलिटीज। अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, एक टॉपिक नहीं समझ में आता है, या कोई भी नया इन्फॉर्मेशन आपको जानना है, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, अगला वीडियो क्लिक कर मिलते हैं, धन्यवाद।